नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा जो लेक्चर एग्रोनॉमी का रहेगा, यानी एग्रोनॉमी फर्स्ट कृषि शास्त्र विज्ञान भाग एक, जिसके अंतर्गत हमने व्हीट कल्टीवेशन कंप्लीट कर दिया। क्या व्हीट कल्टीवेशन, यानी गेहूँ की खेती कंप्लीट कर दिया, जो यानी बोटेनिकल नेम से लेकर डिजीज और इल्ड यानी उपज तक हमने पूरा अच्छे तरीके से आप सबको बता दिया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सोयाबीन कल्टीवेशन। कौन सी? सोयाबीन की खेती, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें प्रोटीन पाया जाता सबसे अधिक मात्रा में। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको यह बता दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लग रहा, यानी आप सबको पढ़ाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, यानी कैसे लगा इसको आज जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सोयाबीन कल्टीवेशन या सोयाबीन की खेती। सोयाबीन की खेती, अब सोयाबीन की खेती इसमें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जो पूछे जाते हैं चाहे बोर्ड पेपर या कोई भी पेपर या कंपटीशन देने जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोयाबीन का बोटेनिकल नेम, यानी वनस्पति नाम। बोटेनिकल नेम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वनस्पति नाम। क्या बोला? ये तो बोटेनिकल है या वनस्पति नाम। तो इसका जो बोटेनिकल नेम है वनस्पति नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। तो ये हमारा ये जगह बोटेनिकल नेम है वनस्पति नाम। अब आ जाता फैमिली या कुल। अगला पॉइंट हो जाएगा फैमिली, यही से बोलते हैं कुल, यही से कहा जा सकता परिवार। क्या कहा जा सकता? परिवार। तो यानी पूछने का तरीका कई तरीके से पूछा जा सकता है कि सोयाबीन किस कुल से संबंधित है, किस फैमिली से संबंधित है, या किस परिवार का सदस्य है। तो सोयाबीन हमारा किसके अंतर्गत आता है? लेग्यूमिनेसी। किसके अंतर्गत? लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है। तो जितनी भी हमारी अधिकतर जो दलहनी फसलें होती है, मोस्टली अगर देखा जाए तो लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स के अंतर्गत, लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। किसके? लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आती है। तो फैमिली हो जाएगा लेग्यूमिनेसी। तो ये ध्यान रखना, सोयाबीन की फैमिली क्या हो जाएगा? लेग्यूमिनेसी। उसके बाद आ जाता उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन प्लेस। ओरिजिन प्लेस, ओरिजिन प्लेस को हिंदी में बोलते उत्पत्ति स्थान। क्या बोल रहे? उत्पत्ति स्थान। और इसे भी लिख सकते हैं नेटिव प्लेस, नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस मतलब क्या होता? मूल स्थान। तो यानी ओरिजिन प्लेस मतलब उत्पत्ति स्थान, और नेटिव प्लेस मतलब क्या होता? मूल स्थान। तो दोनों का आंसर समझ लीजिए एक ही होगा, लेकिन केवल पूछने का तरीका बदल दिया। तो इसका ओरिजिन प्लेस से उत्पत्ति स्थान में जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। हमने इसके बारे में आप सबको बता दिया था कि चीन की राजधानी क्या होती है? बीजिंग। क्या हो जाएगा? बीजिंग हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सोयाबीन। उसके बाद आता है सोयाबीन को और किस नाम से जाना जाता है? सोयाबीन इज नोन एज, या सोयाबीन इज काल, या सोयाबीन को कहते हैं। सोयाबीन को कहते हैं या कहा जाता है। क्या हो जाएगा? सोयाबीन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वंडर क्रॉप्स। क्या कहा जाता? वंडर क्रॉप्स, या हड्डी रहित मांस। क्या बोला जाता? वंडर क्रॉप्स या हड्डी रहित मांस। या हड्डी रहित मांस,
हड्डी रही मांस, तो ये ध्यान रखना। क्या कहा जाए तो अंडर क्राफ्ट से हड्डी रहित मांस कहा जाता है। तो इतना ध्यान रखना कि सोयाबीन को क्या कहा जाता है, अंडर क्राफ्ट से हड्डी रहित मांस इसे कहा जाता है। अब सोयाबीन हमारी दलहनी तथा तिलहनी फसलों दोनों के अंतर्गत है, ये जरूर ध्यान रखना। सोयाबीन दलहन तथा तिलहन दोनों प्रकार की फसल है। सोयाबीन दलहन तथा तिलहन तिलहन दोनों प्रकार की फसल है। दोनों प्रकार की फसल है, तो ये आप जरूर ध्यान रखना। सोयाबीन दलहन और तिलहन दोनों प्रकार की फसल है। कैसी, यानी इसकी दाल भी बनाई जाता है और तेल भी सोयाबीन का प्राप्त किया जाता है। तो दोनों ध्यान रखना, दलहन और तिलहन दोनों प्रकार की फसल, मतलब इससे हम दाल बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं और इससे तेल भी हमें प्राप्त होता है, तो इसीलिए दोनों क्रॉप्स के अंतर्गत मानी जाती है। तो सोयाबीन हम आप सबको क्रॉप बता रहे हैं अच्छी तरीके से। सोयाबीन के बोटेनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स, फैमिली या कुलिया परिवार हो जाएगा लेग्यूमिनेसी, ओरिजिन प्लेस या नेटिव प्लेस चाइना हो जाएगा, चीन। सोयाबीन को कहा जाता है वंडर क्रॉप से हड्डी रहित मांस भी इसे कहा जाता है। सोयाबीन में सोयाबीन दाल तथा तिलहन दोनों, दलहन तथा तिलहन दोनों प्रकार की फसल है। ये हो गया। और अब हम आगे देखते हैं सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा और तेल, इसमें दोनों मुख्य रूप से पाया जाता है। तो पूछ लेते हैं कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा तो सोयाबीन में जो प्रोटीन की मात्रा होती है 40 से 42%, कितना हो जाएगा 40 से 42%। ये आप जरूर ध्यान रखना कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है 40 से 42%। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अब सोयाबीन में तेल की मात्रा, सोयाबीन में तेल की मात्रा तो सोयाबीन में जो तेल की मात्रा होती है 20 से 22% माना जाता है। कितना माना जाता है 20 से 22%, या मुख्य रूप से जो होता है 20% होता है। तो अगर प्रोटीन पूछ लेगा तो 40 से 42%, और तेल पूछ लेता तो 20 से 22%, यानी 20 ही मान लेना और 40। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सोयाबीन में प्रोटीन तथा तेल का अनुपात कितना होता है, प्रोटीन तथा तेल का अनुपात कितना होता है, इसको भी देख लेते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन तथा तेल का अनुपात होता है 40/20, यानी प्रोटीन इसमें पहले पूछा, क्या प्रोटीन पहले पूछा तो इसको ऊपर रखेंगे 40, उसके बाद तेल कितना मान लेते 20, कितना मान लेते 20 मान लेते। अब इन दोनों में अनुपात निकालने के लिए हमें भाग देना पड़ेगा, तो 20 × 40 और 20 × 20, यानी एक बार जाएगा तो 20 × 40 हो जाएगा। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा, प्रोटीन तथा तेल का अनुपात 2:1 होता है, कितना हो जाएगा 2:1। तो ये ध्यान रखना कि सोयाबीन में प्रोटीन और तेल का अनुपात अगर पूछेगा तो 2:1 हो जाए। अगर इसमें एक थोड़ा बदल के पूछ सकता कि तेल और प्रोटीन का अनुपात क्या होता है, क्या तेल
और प्रोटीन का अनुपात। क्या पूछ लेता? तेल और प्रोटीन का अनुपात। अब तेल और प्रोटीन का अनुपात अगर पूछ लेगा तो तेल इसमें कितना है? 20 बटे प्रोटीन कितना है? 40। अब यहां अनुपात बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 अब 40 तो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। तो मतलब इस तरह भी पूछा जाता है कंपटीशन में या कहीं भी अगर हम पेपर देने जाते हैं कोई भी, तो वहां पर जरूर ये पूछा जाता है कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 40 से 42%, सोयाबीन में तेल की मात्रा 20 से 22%। कितना हो जाएगा? 20 से 22। अब यहीं पर ये पूछ लेता है, और पूछने का थोड़ा तरीका बदल दिया बस, कि सोयाबीन में प्रोटीन और तेल का अनुपात। अनुपात हमें निकालने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें प्रोटीन कितना होता है और इसमें तेल की मात्रा कितनी होती है। तो तेल की हो जाएगी हमारी मात्रा 20 और प्रोटीन की 40। अगर पहले प्रोटीन और तेल पूछेगा तो 40/20, अगर वही तेल और प्रोटीन पूछेगा तो 20/40 1/2, इसका 2/1 हो जाएगा। 2:1 या 1:2। तो ये समझ लीजिए, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत आसानी से बता दिए, तो इसको आप जरूर अच्छे से नोट करिए और ये जरूर बताइए आप सबको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। और हम आगे देखते हैं कि सोयाबीन में लाइसिन के प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। लाइसिन एक पाया जाता है, सोयाबीन में लाइसिन की प्रतिशत मात्रा होती है, ये प्रतिशत मात्रा होती है 5%। कितना? लगभग 5% होता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि सोयाबीन में लाइसिन की प्रतिशत मात्रा लगभग 5% पाया जाता है। और हम आगे देखते हैं, विश्व में सोयाबीन की खेती लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर की जाती है, ये भी देख लेते हैं कि अब हम एरिया और क्षेत्रफल देख लेते हैं, यानी एरिया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, क्षेत्रफल और उत्पादन, कि कहां पर सबसे अधिक सोयाबीन की खेती की जाती है और कहां पर इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो विश्व में सोयाबीन की खेती कितने हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? विश्व में सोयाबीन की खेती लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? अब विश्व में बात कर रहे हैं, कहां पर कि विश्व में जो पूरा सोयाबीन की खेती होती है कितने हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? 5,67,00,000 हेक्टेयर भूमि पर, 5,67,00,000 हेक्टेयर भूमि पर तो यह ध्यान रखना कि सोयाबीन की खेती लगभग कितने हेक्टेयर भूमि, 5,67,00,000 हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती की जाती है। कितने? 5,67,00,000 हेक्टेयर भूमि पर। तो ये विश्व में हो गया इसकी खेती की जाती है। उसको कहा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस देश का है? विश्व में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस देश का है? विश्व में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस देश का है?
विश्व में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस देश का है? तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसे बोला जाता है, यूएसए जिसे हिंदी बोलते संयुक्त राज्य अमेरिका। जिसे हम लिख सकते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या बोला जाता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी जिसे हम कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। तो विश्व में जो सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है किस देश में होता है? तो यूएसए में होता है। कहां पर? यूएसए में। उसका कहा जाता है विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल का है, मतलब सोयाबीन की खेती अमेरिका में की जाती है, तो 50%। कितने? 50%। लेकिन तो वो ज्यादा जरूरी, जो महत्वपूर्ण उसके लिए, जो महत्वपूर्ण उसको हम आप सबके लिए जरूर बता रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में सोयाबीन की खेती कितने हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? भारत में सोयाबीन की खेती लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? कितने हेक्टेयर? भारत में सोयाबीन की खेती लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? तो जो भारत में सोयाबीन की खेती की जाती है 13,91,000 हेक्टेयर भूमि। तो ये ध्यान रखना कि भारत में सोयाबीन की खेती लगभग कितने हेक्टेयर भूमि, 13,91,000 हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती की जाती है। तो एक बार दोबारा आप सबको हम अच्छे से दोबारा रिपीट करके समझा दे रहे हैं कि सोयाबीन में लाइसिन की मात्रा कितनी होती है? 5%। लाइसिन एक तुम्हारा अमीनो अम्ल के अंतर्गत आता है, ये कितना पाया जाता है? 5% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि विश्व में सोयाबीन की खेती लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर? 5,67,00,000 हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती की जाती है। विश्व में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस देश का? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में सोयाबीन की खेती लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? तो 13,91,000 हेक्टेयर भूमि पर की जाती है। तो इसको आप जरूर अच्छे से नोट्स बनाइए। तो और हम आगे देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस देश का है, यानी प्रोडक्शन सरकारी, सॉरी भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य का, सॉरी इधर रखना, यानी उत्पादन किस राज्य का, भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य का है? तो वो हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य का है? किस राज्य का है? तो भारत में सबसे जो सोयाबीन का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी यहां पर क्या होती है भी आप सबको बता दे रहे हैं। तो अगर राजधानी पूछते तो भोपाल, राजधानी अगर पूछ लेंगे तो भोपाल। तो ये भी हमें
तो जीएसबी में हम आप सबको जो भी क्वेश्चन आ रहे जीएस उसको भी आप सबको बताते चल रहे हैं। तो भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य का? तो मध्य प्रदेश। किसका? मध्य प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सोयाबीन की खेती लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? उत्तर प्रदेश में सोयाबीन की खेती खेती लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? भूमि पर की जाती है यानी अब यूपी में ले लेते हैं कि यूपी में अगर सोयाबीन की खेती की जाती है तो लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती की जाती है? तो 193,000 हेक्टेयर भूमि पर। कितना की जाती है? 193,000 हेक्टेयर भूमि पर भारत में सोयाबीन की खेती की जाती है। अरे सॉरी, उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की अभी हमने बात बता दिया। और भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य का? तो कहां का? मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन के फली को कहते हैं, जो उसकी फली होते हैं उसको क्या कहा जाता है? सोयाबीन के फली को कहते हैं, तो जो सोयाबीन का फली होता है मतलब जिसमें सोयाबीन बनता है उसे क्या बोला जाता है? पोड, POD, जिसे हम इसे भी लिख सकते हैं पोड। क्या कहा जाता है? पोड कहा जाता है। यह होगा सोयाबीन की फली को, यानी उसकी फली को क्या कहा जाता है? पोड कहा जाता है। अब आते हैं जलवायु या क्लाइमेट, क्या देखते हैं कैसी जलवायु हमें चाहिए सोयाबीन की खेती वहां पर अच्छी तरीके से उगा सके या उगाया जा सकता है, ऐसे में जलवायु चाहिए। तो अगर किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए हमें क्लाइमेट जरूर, क्लाइमेट, सॉइल, टेम्परेचर और वहां पर मतलब एटमॉस्फेयर कैसा रहता, क्या उसके लिए वो अनुकूल है, फेवरेबल कंडीशन मिल पाता कि नहीं आता। तो यानी किसी भी क्रॉप या फसल या फल उसकी रोपाई करने से पहले हमें जरूर इन बातों का ध्यान रखा जाता है। वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ पर वो क्रॉप उग पाएगी कि नहीं, पीएच सॉइल का भूमि का पीएच कैसा है या और वर्षा कैसी होती है, कितनी होती है और टेम्परेचर वहाँ पर कितना रहता है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन मिल पा रहा कि नहीं पा, ये सब बातें जरूर वहाँ पर ध्यान रखना जरूरी होता है। तो हम देखते हैं क्लाइमेट या जलवायु। जिसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट या जलवायु। अब यह तो सोयाबीन की खेती के लिए नम तथा गर्म जलवायु की आवश्यकता, कैसे? हॉट एंड ह्यूमिड। सोयाबीन की खेती के लिए नम तथा गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, नम तथा गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। तो ये आप जरूर ध्यान रख रहे हैं, सोयाबीन की अगर हमें खेती करना, क्या करना? खेती करना, तो हमें इसके लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए? तो सोयाबीन की खेती के लिए नम तथा गर्म जलवायु दोनों की आवश्यकता होती है, ना अधिक गर्म होना चाहिए ना अधिक नम, यानी नम और गर्म दोनों जलवायु इसके लिए होनी चाहिए। उसका कहा जाता है कि सोयाबीन पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, यानी जो पौधों का वृद्धि एवं विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए?
सोयाबीन के पौधे पौधों सोयाबीन के पौधों की वृद्धि वृद्धि एवं विकास के लिए के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? इन्हें किसके लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसके लिए पूछा जा रहा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्हें सोयाबीन के पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होना चाहिए? 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए जिससे पौधों की वृद्धि और विकास अच्छे तरीके से हो सके। तो इसको हमने आप सबको जरूर अच्छे से बताया होगा, जरूर आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रॉपर तैयार करिए। देते हैं कि सोयाबीन सार्ड प्लांट होता है, यानी लांगड़े या सार्ड, तो वो प्लांट दो प्रकार के होते हैं, तीन वैसे देखा जाता है, लांगड़े सार्डे और डे न्यूट्रल। तो तीनों बता दे रहे, लांगड़े उसके बाद सार्डे, सेकंड नंबर हो जाएगा सार्डे और थर्ड नंबर हो जाएगा हमारा डे न्यूट्रल। अब ये तीन हमें जानना जरूरी, लॉन्ग डे शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल, मतलब जो हम पौधे उगाते हैं अगर उस समय उसके दाना या मतलब दाना जो भी मैच्योर होते समय या दाना बनते समय अगर जो दिन बड़े होते हैं, क्या होता है, दिन बड़े होते हैं, यहां से मान लेना कि पौधों की वृद्धि यानी विकास से लेकर दाना पकते समय, क्या दाना पकते समय जैसे हमने फसल की बुआई कर दी है, फसल की हमने यहाँ पर रोपाई कर दी, धान की रोपाई कर दी, किसकी, धान की रोपाई। अब इसमें वृद्धि और विकास दोनों हो गया, वृद्धि और विकास होने लगा और वृद्धि और विकास से लेकर दाना पकते यानी दाना पकते समय, क्या दाना पकते समय अगर दिन बड़े होते हैं, क्या दिन बड़े होते हैं तो वो लॉन्ग डे प्लांट के अंदर, अगर दिन छोटे होते हैं वृद्धि और विकास से लेकर, वृद्धि और विकास से लेकर यानी उसका दाना पकते समय, दाना बन गया उसके बाद पकते समय, अगर इसका दिन इस समय दिन बड़े होते हैं, क्या जैसे हमारा धान इस समय चला, धान की समझ लीजिए कटाई होगी, क्या होगी, कटाई हो गई, तो ये हमारा सार्ड प्लांट, क्योंकि इस समय दिन छोटे होते हैं, सितंबर से लेकर समझ लीजिए दिन छोटे होने लगते हैं, तो हमारे जो धान होते हैं ये सार्ड प्लांट, क्योंकि उस समय जब धान का विकास होता अच्छी तरीके से, वृद्धि होता और दाना पकता है या दाना उसमें बनता है तो दिन क्या होता है, छोटा होता, क्या होता है, दिन छोटा होता, तो इसलिए इसको हम सार्ड प्लांट के अंदर यानी छोटे दिन वाला पौधा, छोटे हिंदी में बोला जाता है छोटे दिन वाले पौधे, मतलब इस समय दिन छोटा होता है, तो उसे जब पौधों की वृद्धि और विकास या दाना पकते समय फली बनते समय अगर दिन छोटा हो रहा है तो सार्ड प्लांट के अंतर्गत, अगर दिन उस समय बड़ा हो रहा है जैसे गेहूं, गेहूं की बुआई कब कर देते हैं, समझ लीजिए कर देते हैं हम गेहूं की बुआई 15 नवंबर से 25 नवंबर जो सबसे अच्छा समय माना जाता है, तो बुआई तो कर दे लेकिन तो हमारा दिसंबर बाद दिन थोड़ा थोड़ा बड़े होने लगते हैं, अब बड़े होने लगते हैं दिन बड़े होने लगेंगे, तो अगर दिन बड़े होने लगेंगे तो उसके वृद्धि और विकास के समय माने लगता फरवरी हो जाएगा, क्या फरवरी होने लगेगा, फरवरी मार्च अप्रैल जाके अप्रैल में हम सब गेहूं काटते हैं, मार्च लास्ट या अप्रैल में, तो उस समय दिन बड़े होते हैं, क्या होते हैं, दिन बड़े होते हैं, दाना बन रहा पक रहा तो उस पौधों का वृद्धि और विकास दोनों हो रहा, तो दिन उस समय बड़े हो रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत, लॉन्ग डे प्लांट मतलब लंबे दिन वाले हो जाएंगे, क्या लंबे दिन वाले हो जाएंगे, ये हमारा हो गया शॉर्ट डे और लॉन्ग डे, यानी पौधों की वृद्धि और विकास से लेकर दाना पकते समय अगर दिन बड़ा हो रहा है तो लॉन्ग डे, अगर दिन छोटा हो रहा है तो शॉर्ट डे हो जाएगा। अब डे न्यूट्रल मतलब जिस पर सूर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे दिन बड़ा हो या दिन छोटा हो उस पौधे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डे न्यूट्रल, जैसे सूरजमुखी,
और टमाटर और बैंगन क्या हो जाएगा, सूरजमुखी हो जाएगा, टमाटर और बैंगन ये सब डे न्यूट्रल के अंतर्गत आते हैं। क्या डे न्यूट्रल, इन पर सूर्य का कोई ज्यादा चाहे दिन बड़ा हो या दिन छोटा हो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं डे न्यूट्रल, मतलब दिवस संजस प्रभावी हिंदी में बोला जाता है, या उदासीन पौधा जिस पर सनलाइट या सूर्य के प्रकाश का कोई ज्यादा मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता चाहे दिन बड़ा हो या दिन छोटा हो। तो ये हमने बता दिया लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल। तो जरूर आप इनसे बताइएगा कि हमारे लेक्चर आप सबको कैसा लगा, और हम कोशिश करेंगे कि आप सबको कल से 2 से 3 लेक्चर में सोयाबीन की इन्हें क्रॉप जो होता है कंप्लीट करा देंगे। अब जब तक समझिए दीपावली की छुट्टी चल रही है, हम कम से कम 2 से 3 वीडियो आप सबको प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सबको पता होगा कि हम इन्हें 2-3 कॉलेजों में पढ़ा, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के दो नगर और कोचिंगों में पढ़ाते हैं, तो इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय इंटर कॉलेज वहाँ पढ़ाते हैं तो काफ़ी समय नहीं मिल पाता, इसीलिए हम वीडियो आप सबको कंटिन्यू प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। तो इस समय दीपावली का छुट्टी चल रहा है, और जिस भी स्टूडेंट को अगर कानपुर से करना है इंटर एग्रीकल्चर तो जरूर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के दो नगर में जो समझ लीजिए वहाँ पर एग्रीकल्चर क्लास 6 से लेकर यानी 12 यानी कक्षा 12 तक पढ़ाए जाते हैं एग्रीकल्चर, और समझ लीजिए अच्छा खासा रिजल्ट बनता है। इस बार जो रिजल्ट बना सभी बच्चे पास हुए, कोई बच्चा फेल नहीं हुआ, यानी 100% रिजल्ट बना चाहे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, तो बहुत अच्छा इस बार रिजल्ट आया है। तो चलिए आज के लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जरूर बताइए आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।